नमस्कार एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस हिंदी टैरो, जो आपका अपना चैनल है। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 1 मई से 7 मई के लिए वैलिड होगी, यानी ये वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जो पर्सन अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं और डिटेल्स भेज सकते हैं, और 3 से 4 दिन के अंदर आपकी रीडिंग आप तक पहुंचा दी जाएगी। और गूगल पे नंबर वही है जो व्हाट्सएप पर दिया गया है, तो उसके ज़रिए आप मेरे अकाउंट्स में पैसे भेज सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, वो एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, फिर हम देखेंगे कि एक्वेरियस अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, और 1 मई से 7 मई के लिए इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहने वाला है। तो एक्वेरियस के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, एक्वेरियस अब क्या फील कर रहे हैं, एक्वेरियस क्या चाहते हैं, और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहने वाली है। किंग ऑफ कप्स एक्वेरियस, आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, काफ़ी मोहब्बत है, काफ़ी वो एक प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इस रिश्ते को चाहते हैं। तो वो फील कर रहे हैं कि उन्हें अपना जो प्यार है एक्सप्रेस करना चाहिए, वो और अपने भावनाएं सबके साथ शेयर करनी चाहिए। जब वो अपने भावनाएं शेयर करेंगे, जब एक दूसरे, तभी दूसरे लोग उनकी भावनाओं को समझेंगे, उनको प्यार के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, और काफ़ी वो इस रिश्ते को लेकर खुश हैं। उनको ये रिश्ता काफ़ी मनमोहक लगता है, काफ़ी सुहावना लगता है। इस रिश्ते में काफ़ी प्यार उनको दिखाई दे रहा है, काफ़ी मोहब्बत दिखाई दे रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अपना प्यार वो एक्सप्रेस करें, अपनी भावनाओं को शेयर करें, अपने तक सीमित ना रखें, क्योंकि जब तक प्यार को बांटा नहीं जाएगा, एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, वो एक दूसरे के बारे में नहीं जान पाएंगे और इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि इस प्यार को, इस प्रेम को एक दूसरे के साथ शेयर करें, बांटें, एक्सप्रेस करें, दूसरे के अपनी भावनाओं को उनसे बताएं और उनकी भावनाओं को सुने, और इसमें आगे बढ़ने के बारे में वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जाए। काफ़ी, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी मोहब्बत है, काफ़ी प्यार है, ये रिश्ता काफ़ी खुशियां ला सकता है। तो वो क्या चाहते हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्वेरियस के पर्सन क्या चाहते हैं, एक्वेरियस के पर्सन चाहते हैं कि ये रिश्ता बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ होना चाहिए। इस रिश्ते में क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए, सच, ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। उनको लगता है कि अगर लॉयल्टी, ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो अब फ्यूचर में जाकर कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। चाहे उनके लिए रूढ़ बनना पड़े, कठोर बनना पड़े, अपने लिए या अपनों के लिए थोड़ा सा इस रिश्ते के खिलाफ जाना पड़े, या किसी के साथ वाद विवाद करना पड़े, थोड़ा सा कठोर रवैया अपनाना पड़े, रूढ़ बनना पड़े, और तो वो चाहते हैं कि एकदम क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ रूढ़ बने, कठोर बने, सख्त बने, चाहे कुछ भी बने, सख्त रवैया अपनाएं, लेकिन इस रिश्ते को क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ एकदम आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर क्लियरिटी, ईमानदारी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो ये रिश्ता काफ़ी कामयाब हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, और ये इसमें प्यार मोहब्बत बढ़ सकता है, और इस रिश्ते की गहराई के बारे में वो विचार करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि एक्वेरियस अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो एरिस, अब एक्वेरियस महसूस कर रहे हैं कि इसमें समय रहते एक ऐसा, मतलब सोर्सेज ढूंढने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते को स्टेबल कर सके। जो तो चाहे वो जॉब है, करियर है, बिजनेस है,
या पैसा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे सोर्सेज जो इसमें एक स्टेबिलिटी ला सकें, इस रिश्ते में एक ठहराव ला सकें, एक बैलेंस ला सकें, और इसमें एक समय रहते एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने की ज़रूरत है, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए उन्हें पहल करनी पड़ेगी, सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, और उसके साथ एक बिगनिंग एक शुरुआत करते हैं तो ये रिश्ता काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, काफ़ी सक्सेस हो सकता है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो इसमें एक स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं, एक बिगनिंग एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको लगता है कि इसमें एक बिगनिंग एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, नेम और फेम दिला सके। तो वो क्या चाहते हैं, सिक्स ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस इस रिश्ते में फिर से इसमें मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं, जो हो सकता है कि इसमें जो रिकाउंसिलेशन हुआ है, जो दूरियां आई हैं, जो सेपरेशन हुआ है, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से मेल जोल हो, प्यार प्रेम हो, इस वही हिस्ट्री वही चीज़ें दोहराना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करना चाहते हैं, जिसमें काफ़ी प्रेम होता था, मोहब्बत होती थी, एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे, जानते थे, काफ़ी खुश थे, हैप्पी थे, तो वो उसी पास्ट में जाने के बारे में जाना चाहते हैं कि उसी समय को, उसी वक्त को याद किया जाए जो काफ़ी खुशियां देता था, काफ़ी प्यार देता था, काफ़ी एक दूसरे के लिए मरते थे, काफ़ी एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे, एक दूसरे को चाहते थे, काफ़ी खुशियां, काफ़ी प्यार, काफ़ी सब कुछ था। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वही प्यार वही मोहब्बत हो और मेल जोल बढ़े, प्यार प्रेम बढ़े और खुशियाँ बढ़ें, और इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, एक नया वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से काफ़ी प्यार हो, काफ़ी मोहब्बत हो, काफ़ी मेल जोल बढ़े, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक परिवार एक फैमिली बने, वो एक परिवार एक फैमिली बनाना चाहते हैं, उन चीज़ों को जो इस रिश्ते को परेशानी दे रही थी, नेगेटिव थी, तो उन चीज़ों को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक मौका और चाहते हैं इस रिश्ते में। वो चाहते हैं कि अगर मेल जोल बढ़ता है, प्यार प्रेम बढ़ता है, ये रिश्ता बढ़ता है, तो काफ़ी घर बनना और घर बसना भी इसमें हो सकता है। तो काफ़ी, क्योंकि इसमें काफ़ी प्यार है, काफ़ी मोहब्बत है, काफ़ी एक दूसरे को समझते हैं, तो इस सेपरेशन को, इन दूरियों को वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स, इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहने वाली है, ये आउटकम क्या रहने वाला है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप इसमें गिव अप नहीं करने वाले हैं, रुकने वाले हैं, ठहरने वाले हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर अब समय चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा, तो आप चाहते हैं, या हो सकता है कि दोनों ही चाहते हैं कि इस रिश्ते में रुका जाए और सोच विचार करके इसमें एक स्टैंड लिया जाए, क्योंकि अगर इसमें स्टैंड ले लेते हैं तो ये रिश्ता काफ़ी कामयाब हो सकता है, आगे धीरे धीरे करके वही सिचुएशन हो सकती, काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। तो वो एक्वेरियस या एक्वेरियस के पर्सन या दोनों तरफ से ही वो इस रिश्ते में स्टैंड लेने वाले हैं, रुकने वाले हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर अब स्टैंड नहीं लिया गया, अब नहीं रुका गया, तो ये रिश्ता हाथ से जा सकता है, कभी हाथ नहीं लग सकता, अब स्टैंड इसमें लेने की ज़रूरत है, चाहे इसमें थोड़ा सा रूड बनना पड़े, चाहे शुरू में थोड़ा सा वाद विवाद हो, थोड़ा सा झगड़ा हो, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ सख्ती से पेश आए, लेकिन उनको लग रहा है कि अगर रुके रहते हैं, ठहरे रहते हैं, तो वाद विवाद के बाद थोड़ा सा अपनों के खिलाफ अगर बोलना पड़े तो वो भी बोल सकते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि धीरे धीरे करके ये रिश्ता काफ़ी पावरफुल हो सकता है, वही से वही प्यार वही मोहब्बत हो सकती है और ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल हो सकता है। तो इसका आउटकम काफ़ी इसमें लग रहा है कि काफ़ी इसमें स्टैंड लिया जा रहा है, काफ़ी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, ये रिश्ता काफ़ी नेम और फेम धीरे धीरे करके दे सकता है, इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन प्यार आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी
पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक कमेंट्स मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मदद देता है। तो प्लीज़ एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और वीडियो बनाने में मेरी मदद कीजिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।